कहावत भी कहते हैं कि बानर के हाथ में नारियल। सच में यहाँ पर लोगों को मतलब समझना चाहिए कि हमारे सुरक्षा के लिए लगाया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं नीला चंपारण। देखिए, हमारा बेतिया नगर परिषद से नगर निगम बन गया, लेकिन यहाँ के लोगों का जो मतलब करतूत है आप देखकर दंग रह जाएंगे। देखिए, बेतिया में MJ कॉलेज के गेट के पास कन्वेक्स मिरर लगाया गया था ताकि दुर्घटना कम हो। आप जानते हैं कि मोड़ानों पर कन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है ताकि दुर्घटना कम हो। देखिए, यहाँ पर लोगों का कैसा करतूत है कि इसमें का जो मिरर है उसको गायब कर दिए हैं। मैंने एक दो दिन पहले भी देखा था, यहाँ पर था लेकिन गिरा हुआ था, उसको भी लगाया गया लेकिन इसको यहाँ के लोगों के द्वारा ख़त्म कर दिया गया है। आखिर इसको मतलब कौन ले गया, ये सोचने वाली बात है। देखिए, हमारा नगर निगम बहुत अच्छा से डेवलप कर रहा है लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के चलते इसे गायब किया जा रहा है और यहाँ की जो सुंदरता है उसे ख़राब की जा रही है। देखिए, वहाँ पर भी एक कन्वेक्स मिरर का उपयोग किया गया है, चलिए वहाँ पर भी मैं आपको दिखाऊँगा। आखिर लोगों को समझना चाहिए कि हमारे ही ज़िला में हमारे सुरक्षा के लिए ही सरकार हमारी उपयोग के लिए ही लगा रही है, ताकि लोगों को समझना चाहिए कि इसकी मतलब देखरेख हमारी भी है और सरकार की भी है। सिर्फ सरकार को मतलब करने से विकास नहीं होगा और हमारे भी वहाँ पर भूमिका महत्वपूर्ण होनी चाहिए। मैंने सरकार को बचाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा सामाजिक तत्वों के द्वारा इसे तोड़ा गया होगा, लेकिन मुझे तो मतलब इतना पता नहीं है कि कौन तोड़ा है, लेकिन यहाँ पर लोगों को ध्यान देना चाहिए आखिर यहाँ पर इसको कौन बर्बाद कर रहा है। तो चलिए, एक और वहाँ पर कन्वेक्स मिरर है उसे हम मतलब दिखाने का प्रयास करते हैं। लोग मतलब कहावत भी कहते हैं कि बानर के हाथ में नारियल। सच में यहाँ पर लोगों को मतलब समझना चाहिए कि हमारे सुरक्षा के लिए लगाया गया है। और आप जानते हैं कि कन्वेक्स मिरर दुर्घटना को कम करने के लिए लगाया जाता है, रोड सेफ्टी है, मतलब रोड सेफ्टी के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए वहाँ पर भी दिखाते हैं आखिर वहाँ पर एक कन्वेक्स मिरर जो है गिरा हुआ है, आखिर वहाँ पर कोई नहीं लगा रहा, इसका क्या कारण है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं दूसरे कन्वेक्स मिरर के पास आ चुका हूँ, यहाँ पर भी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा तोड़ा गया है। देखिए, यहाँ पर इस कन्वेक्स मिरर को नीचे गिराया गया है। हमें समझना चाहिए कि हमारी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा मतलब हमारे द्वारा भी होना चाहिए। मैं यही जनता से गुजारिश करना चाहूँगा कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षा करें और अपनी संपत्ति को समझ कर जैसा ही करें। तो देखिए, आज का ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये मेरा प्रयास कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं आपसे चाहता हूँ इजाज़त, धन्यवाद।